बच्चों, आज हम आपको संधि का चौथा भाग विसर्ग संधि बताने जा रहे हैं। तो जानिए विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल होने से जो रूप बदलता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि स्वर या व्यंजन ही विसर्ग के रूप को बदल देते हैं। अब देखिए इसका नियम क्या है। तो पहला नियम है, यदि विसर्ग के पहले अ रहे और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, मन जोड़ रथ बराबर क्या हो गया, मनोरथ। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, ओ, यानी ओ की मात्रा। उसी तरह से है अधः जोड़ गति अधोगति, मनः जोड़ बल मनोबल, मनः जोड़ हर मनोहर। चलिए नियम नंबर दो, यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे निह जोड़ आधार निराधार, निह जोड़ उपाय निरुपाय, निह जोड़ गत निर्गत, निह जोड़ गुण निर्गुण। अब आइए देखते हैं तीन नंबर में क्या है। तो तीन नंबर में है, यदि विसर्ग के बाद च या छ या तालव्य ष रहे तो विसर्ग का तालव्य ष हो जाता है। जैसे निह जोड़ चल निश्चल, निह जोड़ छल निश्चल, निह जोड़ चय निश्चय, दुह जोड़ शासन दुशासन। इसी तरह से अब देखते हैं नियम नंबर चार, इसमें क्या होता है, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व ई या ह्रस्व उ रहे और विसर्ग के बाद क ख प फ ट ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे दुह जोड़ कर्म दुष्कर्म, यहाँ हम देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद क आया है तो क्या हो गया, दुष्कर्म। निह जोड़ पाप निष्पाप, यहाँ विसर्ग के बाद प है तो यहाँ क्या हो गया, निष्पाप। उसी तरह से निह जोड़ फल निष्फल, चतुह जोड़ खंड चतुष्खंड, निह जोड़ ठुर निष्ठुर, धनुह जोड़ टंकार धनुष टंकार। अब आइए देखते हैं नंबर पाँच, यदि विसर्ग के बाद र रहे तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निह जोड़ रोग निरोग, निह जोड़ रस निरस, हरिह जोड़ रम हरिरम्य। अब छठा नंबर है, यदि विसर्ग के बाद तालव्य स मूर्धन्य स और दंत स में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग भी उसी वर्ण में बदल जाता है। जैसे निह जोड़ संदेह निस्संदेह, निह जोड़ शंक निशंक, निह जोड़ सार निसार, दुह जोड़ शासन दुशासन। अब देखते हैं सातवां नियम, यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद क ख या प हो तो विसर्ग का रूप नहीं बदलता है। जैसे अंतःपुर अंतःपुर, प्रातःकाल प्रातःकाल, हम देख रहे हैं यहाँ कि शब्द ज्यों का त्यों रह जाता है। तो उसी तरह से अब देखते हैं नियम नंबर आठ में क्या होता है। तो यदि विसर्ग के बाद त हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः जोड़ते नमस्ते, निह जोड़ तेज निस्तेज, निह जोड़ ताप निस्ताप। अब हम नीचे कुछ प्रश्न दे रहे हैं, इसका आपको लिखना है। यह प्रश्न है संधि विच्छेद करने का, तो कुछ शब्द दिया जा रहा है जिसका आपको संधि विच्छेद करना है। जैसे अत्यधिक अत्याचार अतीव अन्वय अत्यंत आशीर्वाद आविष्कार आच्छादन इत्यादि।